हिंदी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इनके पिता को स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए इनके पिता अपने दोस्तों के साथ स्टॉक के बारे में डिस्कस भी करते थे। तब राकेश छोटे थे और ये सारी बातें वो भी सुनते थे। एक दिन राकेश ने अपने पिताजी से पूछ लिया कि शेयर बाजार स्टॉक मार्केट में भाव ऊपर नीचे क्यों होते हैं। वर्टिकल बार टैब उनके पिता ने उनसे कहा कि वह न्यूज पढ़े। ये इनका शेयर मार्केट के बारे में फर्स्ट लेसन था। राकेश जी का कहना है कि आप अपनी गलतियों से ही सब कुछ सीख सकते हैं। उनका कहना है कि मुझे भी मेरी गलतियों की वजह से ही बहुत कुछ सीखने को मिला है। राकेश जी का कहना है कि मैं शेयर बाजार में सिर्फ कंपनियों के प्रमोटरों को दोषी नहीं ठहराता हूं, मैं अपने आप को भी दोष देता हूं। प्रमोटर वह है जो मुझे पहचानना होगा और निवेशकों का निवेश करते हुए खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। राकेश ने अपनी सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे शेयर बाजार में जाना है, तो राकेश के पिता ने साफ साफ पैसे देने के लिए मना कर दिया और कहा कि शेयर मार्केट के लिए मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा। उसके पिता ने यह भी कहा कि तुम शेयर बाजार के लिए अपने दोस्तों से भी पैसे नहीं लोगे। इसी तरह राकेश अपनी जिद पर अड़े रहे और 1985 में शेयर बाजार में अपना कदम रखा, जब बीसी सेंसेक्स 150 अंक पर था। राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट में आ तो गए थे, लेकिन उनके पास शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने जितना हो सके उतना अपनी बचत से जमा करके लगभग 5000 रुपए अपना पहला निवेश शेयर मार्केट में किया था। इन्होंने 2011 में शेयर खरीदे और उनके दाम गिर गए, इन्हें भारी नुकसान हुआ, लेकिन 2012 में इन्होंने अपने नुकसान की भरपाई कर ली और मुनाफे में रहे। इस तरह से उन्होंने कई बार अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे। कई बार उन्होंने शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए कमाए और शेयर मार्केट के जादूगर कहलाए। इनका मानना है कि जीवन में हमें हमेशा गलतियों से सीखना चाहिए। इनके अनुसार एक निवेशक को हमेशा गिरगिट की तरह होना चाहिए और उसको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और सही समय पर निवेश करना सीखना चाहिए और निवेश को जगते रहना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। वो रेयर एंटरप्राइजेस के मालिक है। वो टॉप सिक्योरिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। करने के लिए पैसे नहीं थे वर्टिकल बार, तो उन्होंने जितना हो सके उतना अपनी बचत से जमा करके लगभग 5000 रुपए से अपना पहला निवेश फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया। दिसंबर 2011 में झुनझुनवाला के शेयर 30% तक गिर गए। उन्होंने फरवरी 2012 में अपनी हानि वसूल कर दी। इन उतार चढ़ाव ने उन्हें अपने पोर्टफोलियो को एक तिहाई तक ट्रिम करके अपनी भेद्यता को कम करने के लिए मजबूर कर दिया। अपटेक की हिस्सेदारी को बांटने के उनके प्रयासों में कोई लेना नहीं था। मई 2012 में उन्होंने अपटेक में अपनी हिस्सेदारी 24% बढ़ाकर अब 12.7% रखी है।